सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में गुरुवार को सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में बेशरम प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कि भारत के राजनीतिक नेताओं को जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति नहीं दिए जाने की आलोचना भी की। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शर्मनाक कृत्य था। उसके साथ ही संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र पर बरसते हुए कहा कि हम आज सुबह बैठक कर रहे हैं जिसे केवल महाराष्ट्र में लोकतंत्र को खत्म करने की बेशर्म कोशिश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। राज्यपाल ने अभूतपूर्व और बेहद निंदनीय तरीके से व्यवहार किया, इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशों के तहत काम किया। उन्होंने कहा कि अपने अहंकार और अति आत्मविश्वास के कारण बीजेपी चुनाव पूर्ण गठबंधन को कायम नहीं रख सकी। तीन दलों गठबंधन सरकार के गठन के लिए तोड़फोड़ की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और मोदी शाह सरकार पूरी तरह से उजागर हो गई। मैं आपको विश्वास दिलाते हूँ, हम तीनों दल बीजेपी के जोड़ तोड़ की रणनीति को विफल करने को लेकर एकजुट है। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के राजनेताओं को जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन कुछ यूरोपीय सांसदों को वहां जाने दिया गया। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शर्मनाक कृत्य था। व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन रही है। सोनिया गांधी ने फायदे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेचे जाने पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि इसे नरेंद्र मोदी के दोस्तों को बेचा जा रहा है। इस तरह में सवाल तो यही है कि आखिर क्या बीजेपी का अहंकार सोनिया गांधी तोड़ पाएंगी? आपका इस बात में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।